जहाँ दोस्तों स्वागत है आपका स्पीच चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एमपी बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के बारे में। आप सभी को पता है इससे पहले मैंने पार्ट वन और पार्ट टू बनाए हैं 10वीं क्लास और 12वीं क्लास में। अगर आपकी सप्लीमेंट्री आई तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, दोनों वीडियो को, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। मैंने वहाँ पर कम से कम आपके 10 क्वेश्चन है ऐसे जो आपके माइंड में सबसे ज़्यादा आते हैं, उन 10 क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश किया। आज का आज वीडियो हमारा पार्ट 3 के नाम से है और यहाँ पर भी हम 5 क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन है जो स्टूडेंट के द्वारा पूछा जा रहा है, परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी परीक्षा की तैयारी ठीक उसी प्रकार से करनी जिस तरह से आपने एमपी बोर्ड में की थी, यानी कि एमपी बोर्ड का जो आपका मेन एग्जाम हुआ जो कि दोस्तों फरवरी के महीने में करवाया गया था, लेकिन उस टाइम पर आपने क्या किया था कि आपने अपनी तैयारी अच्छे से नहीं की थी, इसलिए आपके नंबर कम आए। तो यहाँ पर आपको जब सप्लीमेंट्री मिल गई है तो यहाँ पर आपको बेहतरीन तरीके से केवल एक विषय की तैयारी करनी है और यहाँ पर आपके पास में लगभग 40 दिन से ज्यादा का समय। आपको पता है 12वीं क्लास में आपकी एक विषय में सप्लीमेंट्री आई, एक विषय को अगर आप 40 दिन तक पढ़ोगे तो आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाओगे और पास हो जाओगे। 10वीं क्लास में 2 विषय में सप्लीमेंट्री आती है, एक एज में एक SUPTH में, लेकिन आपको केवल एक विषय की तैयारी अच्छे से करनी। एक विषय में अगर आप फेल भी हो जाओगे, कम नंबर आएंगे तो हैज लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 2 में से आपको एक विषय की तैयारी अच्छे से करनी होगी जिससे आप पासिंग मार्क्स से ज्यादा नंबर ले जाओ और आपकी जो सप्लीमेंट्री है वो हट जाए। दूसरा क्वेश्चन है कि पेपर सरल आएगा या कठिन आएगा, तो ठीक उसी प्रकार से हमारा पेपर अनाउंस होगा, ठीक उसी प्रकार से हमारा पेपर आएगा जिस तरह से दोस्तों हमारा एमपी बोर्ड का जो मेन एग्जाम का फरवरी मार्च के महीने में जो पेपर हुए थे सेम उसी प्रकार से हमारा पेपर आएगा, बस आपका जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करें सिलेबस कहाँ से आएगा, तो दोस्तों सिलेबस भी वहीं रहेगा, ब्लूप्रिंट भी वहीं हमारा रहेगा, सेम टू सेम, कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी, पासिंग मार्क वगैरह सब चीज़ हमारी वहीं रहने वाली है, बस हमारे क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। पेपर जो पेपर आपका पहले देकर आए थे जिस विषय में आपकी सप्लीमेंट्री है वहीं पेपर उठा लेना, बस आपके क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सारा का सारा सिलेबस, सारा का सारा ब्लूप्रिंट आपका वहीं रहने वाला है, पासिंग मार्क वगैरह भी आपका सब कुछ वहीं रहेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो यहाँ पर मैं बता दूँ मैं आपको कि पास होने के लिए हमें 33% नंबर चाहिए होते हैं, ठीक है, 100 का 33%। लेकिन यहाँ पर जो पेपर है हमारा अलग अलग तरीके से आता है, 10वीं क्लास का 75 नंबर का पेपर आता है, 25 का प्रैक्टिकल आता है, तो फिर अब हमें 100 का 33% ना ला करके 75 का 33% और 25 का 33% लाना होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा पासिंग मार्क रहेगा 10वीं क्लास का कुछ इस तरह से रहता है, 10वीं क्लास के 100 नंबर का पेपर आता है, 25 का आपका थ्योरी आता है, 75 का थ्योरी और 25 का प्रैक्टिकल आता है, इसका 33% हमें लाना होता है। अगर आप इतने नंबर ले आते हैं तो आप पास हो जाओगे, नहीं तो फिर आप फेल हो जाओगे। 12वीं क्लास की बात करें तो 12वीं क्लास में हमारा 2 तरह से पेपर आता है, एक 70 नंबर का 30 नंबर का आता है और एक 80 और 20 वाला आता है, जिसमें हमारा प्रैक्टिकल होता है वो 70 और 30, जहाँ पर हमें प्रैक्टिकल देना होता है वो 70 नंबर का थ्योरी होता है, 30 का प्रैक्टिकल होता है, जहाँ पर हमें प्रैक्टिकल नहीं लिखना होता है वहाँ पर हमारा मेन पेपर 80 का होता है, जो वैसा यानी प्रोजेक्ट इंटरवल वगैरह वो हमारा 20 नंबर का होता है, तो उसका 33% लाना होता है, 33% यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप इतना नंबर ले आते हैं तो फिर आप पास हो जाओगे, फिर अन्यथा फिर आप फेल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा फेल छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते, तो जो भी स्टूडेंट फेल हो चुका है वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा, ठीक है। जिसकी 12वीं क्लास में 2 विषय में या 2 से ज्यादा विषय में कम नंबर आए, यानी कि वहाँ पर फेल दिख रहा है, अगर हम सीधी सी भाषा में कहें, अगर आपका फाइनल रिजल्ट फेल दिख रहा है तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, आपको रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म भरना होगा, आप रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म भर देना, ठीक है, आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई, वीडियो को शेयर करना है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।